हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज फिर कोई वीडियो अपने साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है सबसे अच्छी वीडियो, सबसे प्यारी वीडियो, सबसे मजे की वीडियो और ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये है टिकटॉक जो इंडिया में बैन हो चुकी है, अब आपको कहीं नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली सिर्फ एक्सक्लूसिव ऑन पिंडी रिएक्शन। तो ये है तीन तिगाड़ा टिकटॉक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो। अच्छा तो थोड़ी काफी देर पहले से बैठ के ये रट्टा मार रहे थे जो मुझे कह रहे थे रुको रुको जरा मैं देखती मैं एक मिनट तो मैं भी कहूँ इतने फ्लो में इसने कैसे पढ़ लिया तिगारा। ये पढ़ लिया था मैंने पहले, इसीलिए ना वो पूरा लगा हुआ था। अच्छा ये फरवरी में कहीं ट्रेंडिंग हुई होगी तो हमें अभी नजर आई है कि ये ट्रेंडिंग है क्योंकि ये फरवरी की वीडियो है। तो देखते हैं क्या ट्रेंड हुआ था फरवरी में जाकर। अभी तो चलिए समय के उस पार देखिए 6 महीने पहले क्या हुआ था, बल्कि 8 महीने पहले, 8 महीने पहले क्या हुआ था, तो हम आपको लेके चलते हैं 8 महीने पुराने और आपको आज बताएंगे कि फरवरी में ट्रेंडिंग क्या हुआ था। लेट्स सी फरवरी 2020 में, ठीक है हो सकता है आप 21 में बैठ के वीडियो देखें, हु नोस। लेट्स सी द वीडियो गो। मैं आके अपना मुझको बना के मुझ पे तू कर एहसान। आए जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जा। देख क्या रहे हो, पढ़ाई कर लो, एग्जाम में मैं आऊंगा क्या, फेल हो जाओगे। गलत होती ना तो तेरे नाम लिखूंगा प्यासी ये कहानी। मनीषा हाँ। प्यार करते हो? करते हैं। शादी करोगे? करेंगे। पक्का? पक्का। छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। मेरे मम्मी कसम, मेरे डैडी की कसम। बाय। हाय। तो बिगी बिगी यारे भाई, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको प्रपोज करके रहूंगा। एक नंबर। आई लव यू टू। वो भी ऐसे ही हाँ कर देगा ना? कौन? बनी? हाँ। कुछ कुछ होता है। तुम भी बेजार हो, बर्बाद है हम, जाने किस रास्ते मुझको ले जाएंगे, बेदिशा ये मेरे डगमगाते कदम, साथ देती जिस्म भी जख्मी है, रूह भी पटक रही, दूरों ता लग रहा, लाश है लटक रही। Thank you.
राहतें सब मिला दिलनशीं, एक तू ही नहीं। दुब दग अर्जी मेरी फिर तेरी जो मर्जी, मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर होशियारी बस तुम। कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, मेरा मुझको क्या दिल। समीक्षा सुनो, अपने बंदे को संभालो, रात को मुझे टेक्स्ट कर रहा था रिलेशनशिप में आने के लिए। अरे वो मैं मजाक कर रही थी, इसके फोन से ना मैंने तुझे टेक्स्ट किया था, मैं हम दोनों की दोस्ती टेस्ट कर रही थी। आइंदा से मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। सॉरी बट तूने मेरा इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारी मोहब्बत पे कोई दूसरा उंगली उठाए। अगर कहूँ हम सफर मेरी, अप्सरा हो तुम या कोई परी। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? आरती। और तुम्हारा? मेरा कुंज बिहारी। यार इन सब को देख के ना मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, दो तीन जो थे वो आसान थे, बाकी सब इतने डीप मीनिंगफुल थे कि हम शायद उनकी डेप्थ तक। मैं सिर्फ ये कहूँगा वेरी गुड वीडियो यार, आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग, सुपर। तो कोई इस पे सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि टिकटॉक बैन ही रहना चाहिए ना? पाकिस्तान में बैन हुई थी लेकिन 3-4 दिन के लिए बैन हुई थी, उसके बाद दोबारा खुल गई है ना। मुझे खोलो, इस पे लोग बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट भी बनाते होंगे, पूरी वीडियो में भी नजर आया अच्छा कंटेंट। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, देखो ये जो वीडियोस थी ना, ये छोटी छोटी मीनिंगफुल एंड मैसेजफुल वीडियो क्लिप्स, मैसेजफुल कोई ठीक है वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। एक एक वीडियो तुम्हें अब मैं बता देता हूँ, उनमें से दो या तीन ऐसी वीडियोस थी जिनका मैसेज मुझे समझ आ सका। अच्छा, बाकी एक दो इतने वो एक दो इंटरटेनिंग थी, उसके अलावा डीप मीनिंगफुल मैसेजेस थे जो एक दो मैं पिक कर पाया हूँ, वो भी कम्प्लीटली नहीं, मुझे आइडिया हुआ कि हाँ ठीक है ये मैसेज देना चाह रहे। उसके अलावा बाकी सारे मैसेज इतने डेप्थ और नॉलेजेबल और इंटेलेक्चुअल थे ना कि एक आम इंसान जो मतलब को। नहीं आम इंसान नहीं, मतलब तुम्हें पता है हमारी इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा कम है, IQ, तो वो भी कैन नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली, तो मतलब एक एवरेज बंदा और एवरेज से अबव एवरेज IQ वाले लोग ही सिर्फ समझ सकते हैं, और वो सारे या तो टिकटॉक बनाते हैं या फिर उनको बड़ा फैमिली सपोर्ट करते हैं, टिकटॉक चलने चाहिए देयर। तो ये सीन है, दैट साउंड्स गुड, मुझे ये एक्सप्लेनेशन ठीक है। एग्जैक्टली, दैट्स द रियलिटी। तो पता है मैं गलत बात नहीं करता, तो ना करता ही नहीं। एग्जैक्टली, तेरी बात कभी हुई है? इतना बिना क्या कभी कभी बता कर भी देता। तो फिर भी वो इंटेलेक्चुअल लोग कौन है जिनको सारे ये कंटेंट समझ में आ गया? अब दो तीन जैसे तू मुझे कोई वीडियो इसमें से बता जो अभी तक तुझे याद नहीं, याद रखना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कहा अगर तुझे मैं नहीं याद रखना तो मैं तुझे उसका मतलब बता देता हूँ। जैसे वो दुपट्टे में छुपने वाले थे ना, अब वो दो आ रहे हैं, उसके एक को लड़के ने लाइन मारी तो उसने तो इस तरह से लड़की ने लाइन मारी तो उसने कहा मैं भी दुपट्टे ही कर लेता हूँ, मतलब कि वी बोथ have to take care of ourselves, ke we are committed, to hume daen bhai nazron se bachna, it was a good message matlab tiktok ko aisi banaya ki main serious tha jab maine wo explanation di, to ye ek acha message tha,
ठीक है, अगर उसको मैसेज की मतलब की तरह ले। अब उसके अलावा कोई याद है? मैं याद रखना नहीं चाहता। हाँ, उसके अलावा कुछ ऐसी थी जो मुझे नहीं, या तो बहुत छोटी थी या फिर मैं समझ रहा था शायद कोई मीनिंगफुल बात अभी आएगी तो वो खत्म हो जाती थी, तो मैं शायद वीडियो कट गलत हुई थी, है ना, ये भी हो सकता है। नहीं इतनी होती नहीं, नहीं कोई और पॉसिबिलिटी सोच, ये अच्छी वीडियो से ज्यादा नहीं मैं डिफेंड कर सकता। खैर, तो ये आप लोगों को कैसी लगी? तो कुछ क्रिंजी चीजें हमने देखनी थी तो सोचा हम आपके साथ मिलकर। जब पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हुई थी ना, तो ये उन लोगों में से था जो इंतहाई इसके अगेंस्ट था, इस डिसीजन के। नहीं मैं वैसे भी बैन कल्चर के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा है यार, ये बहुत ज्यादा है। खैर, ये बड़ा डिबेटेबल बात है कि हर चीज को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली खैर ये डिबेटेबल बात है, क्योंकि इंडिया में जिस इश्यू की वजह से, जिस चीज की वजह से बैन हुआ एक अलहदा रीजन है, बट पाकिस्तान में जो बैन हुआ था वो कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन की वजह से, जिसी की वजह से ये ओपन भी हो गया और जिसकी वजह से दोबारा बैन भी हो सकता है। तो यहाँ पे रीजन बड़ी डिफरेंट थी, इस वजह से पाकिस्तान में ये टॉपिक काफी डिबेटेबल है कि जिन रीजन को करके रखा गया है उसको। काफी लोग सपोर्ट में है, कुछ लोग अगेंस्ट में, हर एक लंबी बात हो जाएगी, बट इस वीडियो को लेके और इस वीडियो को लेके अगर कोई और मजीद, जैसे एक वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दी, अगर आपको कोई और समझ में आई और आप चाहते हो एक्सप्लेन करना, तो नीचे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर एक्सप्लेन करें और हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग मजीद इन में हासिल आगे से इजाफा हो। बाकी हमारे चैनल को कोशिश करेंगे आप सब्सक्राइब कर लें, कुछ नहीं होता। और ये भी बताएं कि इनमें से कौन सी बेस्ट है जो हमारी समझ में नहीं आ रही है, यूपीएससी के एग्जाम में आ सकती है, पूछ सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन करें। 10 नंबर का सवाल, हाई लेवल है ना IQ इसमें, तो ऐसी मुश्किल चीज़ें मुश्किल एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।